ट्वेल्थ इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने जो ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश का था उसको बहुत अच्छे से किया होगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए होंगे। और आज हम आपका जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 था, डीप वाटर, उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार मैं पुनः चाहूंगी कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल करने के पहले आप उस चैप्टर का जो रिलेटेड वीडियो है वो बहुत अच्छे से देखें और समझें, ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत ना जाए। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मतलब जो विलियम डगलस थे वो किस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी उनके जीवन में दुर्घटना हुई जिसका उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। आंसर, विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग वन डे एंड 18 ईयर्स ओल्ड बिग ब्रूशर पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 फीट डीप ऑफ द YMCA पूल। ही हिट द वॉटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजिशन। He swallowed water and went at once to the bottom. He nearly died in this adventure. अब यहाँ पर विलियम डगलस बताते हैं कि विलियम और डगलस उन्होंने जल्दी, मतलब शुरुआत में ही जब उन्होंने तैराकी सीख रहे थे तो एक दिन क्या हुआ था कि एक 18 ईयर का जो बदमाश लड़का था उसने उनको उठाया, उनको उछाला और उस 9 फीट गहरे YMCA पूल में धक्का दे दिया। जब वो वाटर सरफेस पे पहुंचे तो वो सिटिंग पोजीशन पे थे क्योंकि उनको जस्ट उठाया और वाटर पे धक्का दे दिया था पूल के अंदर, तो वहां पर उन्होंने वाटर सरफेस को हिट करते हुए सिटिंग पोजीशन में थे। तब उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया था और वो कहाँ चले गए थे, पूल के बॉटम यानी तली वाले स्थान पर पहुंच चुके थे। वो लगभग मरने वाली ही स्थिति में थे इस एडवेंचर में, अर्थात ये जो घटना उनके साथ हुई, ये जो दुर्घटना उनके साथ हुई वो लगभग उनको मरने की स्थिति तक पहुंचा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। मतलब उन्होंने क्या बोला कि ऐसे कौन सी उन्होंने भावनाएं महसूस की, उन्होंने ऐसा कौन सा डर महसूस किया जब वो उस पूल पर फेंक दिए गए, और उन्होंने वापस उस सतह पर आने पर, पूल के सरफेस एरिया तक आने के लिए मन में क्या कौन सी योजनाएं बनाई। आंसर, डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। जब डगलस को उस पूल में बिना बताए ही धक्का दे दिया गया, फेंक दिया गया, तब डगलस क्या थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। However, he was not frightened out of his wits. While sinking down, he made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. तभी जैसे वो फेंके गए उस समय ही उनने मन में डर को छोड़ करके एक प्लान बनाया कि जैसे ही मैं पूल के सतह तक जाऊंगा मैं एक वहां से जोरदार उछाल मारूंगा, एक बहुत बड़ा बिग जंप लूंगा। He would come to the surface like a cork, tie flat on it and paddle to the edge of the pool. और उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि हम वो उस पूल की सतह तक कैसे आएंगे जैसे कि कार्क तैरता है, इस प्रकार से मैं बिग जंप लूंगा और कार्क की भांति उस पूल की सतह पर आ जाऊंगा और तो किसी तरह से हाथ पांव मारते हुए उस पूल का जो किनारा है वहां तक पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम। इस अनुभव ने उसको कैसे प्रभावित किया, कैसा उसका अनुभव था डगलस का इस चैप्टर में। द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। अब क्या बोल रहा है कि एक बार मृत्यु, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है तो उसको किस प्रकार का अनुभव होता है, तो ऐसा ही अनुभव डगलस को हुआ कि एक मृत्यु तुल्य अनुभव उसको प्राप्त हुआ और उसके दिमाग में, उसके मानसिक चेतना पर उसने इसका बहुत गहरा प्रभाव डाला। He was deeply perturbed and shaken by the whole experience. और वो बहुत ज्यादा घबरा गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया और इस पूरे एक्सपीरियंस ने उसको हिला के रख दिया।
A haunting fear of water took control of his physical strength and emotional balance for many years. ये वाला जो अनुभव था उसको हमेशा बहुत ज्यादा, जैसे वो पानी को देखता था तो बहुत ज्यादा डर जाता था, उसकी जो शारीरिक क्षमताएं थी और मानसिक जो संतुलन था वो सब कई सालों तक हिल चुका था, कई सालों तक डगमगा गया था. As he couldn't bear being surrounded by water, he was deprived of enjoying any water related activity. और क्या हो गया था, जैसे ही वो कहीं ऐसे वाटर सोर्सेस के पास जाता था, वाटर एरियाज के पास जाता था, वहां पर वो क्या होता था, उससे दूर भागना चाहता था. और जो भी वाटर रिलेटेड गेम्स होते थे या वाटर रिलेटेड कोई सी भी एक्टिविटी होती थी उससे वो हमेशा बच के रहता था, क्योंकि जो डर रहता ना, तो जिस चीज से इंसान डरता है उस चीज के कारण क्या करता, उससे बचने की कोशिश किया करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4. Why was Douglas determined to get over his fear of water? अब क्या है कि एक मानव प्रकृति होती है कि उसको किसी अननोन चीजों से क्या लगता है, डर लगता है. फियर फैक्टर होता है हर एक इंसान के लिए कि उसको पर्टिकुलर कुछ चीज रहती है जिससे उसको डर लगता है. इसी प्रकार से जो डगलस था उसको भी क्या था, वाटर के, उसके एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसको पानी से डर लगने लगा. अब वो इतना डरता रहा लेकिन उस लास्ट में उसने क्या बताया कि उसने अपने पानी के डर को दूर करने के लिए क्या दृढ़ निश्चय किया, उसने कैसा कहा कि मैं इस डर को कैसे दूर करूं, क्योंकि डर के ऊपर जीत पाना ही मनुष्य की एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता. उसने सोचा कि मैं इस डर को कैसे दूर करूं, उसने क्या योजना बनाई. आंसर देखें हम, डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयिंग वाटर एक्टिविटीज लाइक कैनपिंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. द विश टू एंजॉय देम एंड द craving to regain his lost confidence while being in water made him by every possible way to get rid of his fear. He was finally able to overcome his mental handicap by getting himself a swimming instructor and further ensuring that no residual fear was left. अब क्या है, डगलस जो था उसको जितनी भी वॉटर रिलेटेड एक्टिविटी थी, जैसे कैनपिंग था, बोटिंग था, स्विमिंग था, फिशिंग, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसको इतना डर था कि वो उससे दूर रहने लगा था. लेकिन उसके मन में तो था कि कहीं ना कहीं मैं इस वॉटर बेस्ड एक्टिविटी का एंजॉय करूं. उसके अंदर एक क्रेविंग, एक भूख टाइप की थी कि मैं वापस अपने जो डर है उसको मैं दूर कर सकूं, उसको मैं दूर फेंक सकूं. इसके लिए क्या किया उसने, अपने आप को सबसे पहले जो मानसिक अक्षमता थी उसके अंदर कि मैं नहीं कर सकता या मुझे डर है, उसको दूर किया. कैसे किया, कि उसने अपने आप को एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर स्विमिंग करना सीखी और उसके बाद ये कोशिश की कि जितना भी शेष डर उसके अंदर है पानी को लेकर के उसको भी अलग कर सके. तो इस प्रकार से डगलस ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की मदद से और अपने मतलब सुदृढ़ मानसिकता के द्वारा उस डर को दूर किया. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखें बच्चों, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस. प्रशिक्षक था जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था, उसने डगलस नाम के एक डरे हुए व्यक्ति से एक अच्छे तैराक कैसे बनाया, मतलब उस शिक्षक ने कैसे ऐसी भूमिका अदा की कि एक डरे हुए बच्चे को बहुत ही अच्छा एक तैराक बना दिया. आंसर, द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस. इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, प्रशिक्षक ने क्या किया कि एक के बाद एक स्टेप यानी एक एक पॉइंट पर उसने डगलस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और धीरे धीरे उसको स्विमर बनाने की तैयारी चालू की. फॉर 3 months he held him high a rope attached to his belt. He went back and frothed across the pool. अब क्या किया, 3 महीनों तक उसने क्या किया कि उसकी कमर के पास क्या बांध दिया, एक रस्सी और एक बेल्ट बांध दिया ताकि वो डूबने का उसको डर अलग हो जाए. पैनिक सीज़ द ऑथर एनी टाइम, क्योंकि डर डूबने का जो डर था उस लेखक को पूरे समय लगा रहता था. द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वॉटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल. इंस्ट्रक्टर ने उसको बताया कि किस प्रकार से उसको क्या करना है, अपने फेस को वाटर के अंदर ले जा करके एक्सहेल करना, मतलब सांस छोड़ना है, और किस प्रकार से उसी स्थिति में रहते हुए अपनी नाक को ऊपर उठा करके इनहेल यानी सांस को अंदर लेना है. ये चीज इसने क्लियर की उसकी. देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मेनी वीक्स
till these relaxed. और इसके बाद डगलस ने क्या किया कि अपने पैरों को चलाना पानी में कई हफ्तों तक जारी रखा. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. और 7 महीनों के बाद प्रशिक्षक ने उसको क्या बोला कि अब तुम पूल में बहुत अच्छे आराम की तरह आराम से दौड़ मतलब क्या कर सकते हो, तैर सकते हो और पूरा एरिया कवर कर सकते हो.